अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त वाजिद और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको मैथ की जो है ना एक्सरसाइज नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन वो हल करना सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके लिए जो है ना आसानी से फराम हो सकें। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको जो है ना वन बाय वन सारे क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। डेफिनेशंस आपने ख़ुद याद करनी है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि जो है ना पार्शियल फ्रैक्शंस कितनी किस्म की होती हैं। ये दो किस्म की होती हैं। सबसे पहले तो इनप्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनके बटे के ऊपर वाली रकम अगर बड़ी हो और बटे के नीचे वाली छोटी हो, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम इनप्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और जिनके बटे के ऊपर वाली रकम छोटी और नीचे वाली बड़ी हो, इनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जैसा कि आप एक सवाल देख रहे हैं जो मैंने हल किया है, इसमें लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड से मुराद ये कि जिसके ये जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है, इसकी भी पावर एक हो और होल की पावर भी एक हो, इसको कहते हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। अब इसको हम एक क्वेश्चन है ये, तो 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 5, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले तो इनको हमने लिख लेना है a प्लस बी की फॉर्म में, इनके हमने जोड़े बना लें a प्लस बी, जिसमें देखें कि a प्लस a बटा x माइनस 2 और प्लस b बटा x प्लस 5 हो गया। उसके बाद हमने इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन बाय LCM। जब हम इसका LCM लेंगे तो ये जो रकम है 2x प्लस 3 के नीचे वाली, ये सारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके साथ ही जो है ना LCM लेना है। इसके बाद हमने आगे इसको जब LCM ले लिया तो ये नीचे वाली रकमें जो हैं कट हो जाएंगी, ये वाली रकम इसके साथ ज़रब हो जाएगी और ये वाली रकम इसके साथ ज़रब हो जाएगी बी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने पी इक्वेशन का नाम दिया है। इसके बाद हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। देखिएगा सबसे ऊपर x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सबसे ऊपर ये देखिएगा x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसको हमने जब हल किया तो माइनस इधर 2 माइनस का था, x की साइड जाके प्लस हो गया। उसको करना है पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन x में, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसा कि ये देखिएगा 2 के साथ x था, यहाँ पे 2 आ गया प्लस 3, a इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5, b इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक है, इसको हल किया, ये 4 आ गया प्लस 3, इसी तरह b कैंसिल हो गया क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो गया 0, तो b ख़त्म हो गया, a का 7 आ गया। ठीक है, इधर भी 7 आ गया, 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, उधर भी 7a आ गया। ठीक है, अब हमने जब a अलहदा किया, इधर 7 जो है ना ज़रब हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर 7/7। ठीक है, जब इसको हमने 7/7 को किया तो a की पावर आ गई 1, यानी कि a इज़ इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह हमने अब दूसरे को करना है, b को करना है। b की वैल्यू जैसे कि आपको पता थी, b की वैल्यू प्लस x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह जब किया तो ये माइनस 5 हो गया। 2 माइनस 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू a माइनस 5 प्लस 8 प्लस 5, और उसके बाद देखिएगा ये b माइनस 5 और माइनस 2। ठीक है, ये जब किया 5 × 2 = 10, माइनस का 10 आ गया 3, इसी तरह a ख़त्म हो गया, b के साथ माइनस आ गया माइनस 7 भी। जब इसको हल किया, ये माइनस का 7 हो गया इज़ इक्वल टू माइनस 7 b। ठीक है, इसी तरह b को हमने जब 7 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 7 को 7 माइनस 7 को तकसीम किया तो 1 आ गया। इसी तरह ये अब इसका आंसर है 2x प्लस 3
एक्स माइनस टू ब्रैकेट बंद एक्स प्लस टू, उसके बाद वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस वन ओवर एक्स प्लस फाइव, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ लिए जाता हूँ, आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हल करके दिखाता हूँ। ये नौ चैप्टर नंबर नाइन का क्वेश्चन नंबर वन है, शॉर्ट टू एक्स बटा एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव। इसको सोल्यूशन किया, टू एक्स उसी तरह लिखा, ए के नीचे एक्स माइनस टू आ गया प्लस बी के नीचे एक्स प्लस फाइव आ गया, मल्टीप्लाई किया जी इसके साथ बाय एलसीएम, एलसीएम के ज़रिए, तो ये नीचे वाली रकम जो है ये कट गई। ठीक है, बाकी ये ए के साथ एक्स प्लस फाइव आ गया, बी के साथ माइनस एक्स टू आ गया, ये देख लें। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले वैल्यू निकालनी है जी, ए का हमने लिया, बी की हमने लिया, एक्स ए की हमने लिया एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिफर, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, ये देखिएगा एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिफर है, तो ये हम ए इज इक्वल टू हो गया सिफर के बराबर, जब हमने सिफर लिया तो ये कैंसिल हो गया। अब जो माइनस फाइव है वो हमने लिखा टू के साथ, जो एक्स है उसके साथ भी माइनस फाइव लिख लिया, और इधर बी में जो एक्स है इसके साथ भी माइनस फाइव लिख लिया। उसके बाद ये हो गया पाँच दूनी दस, माइनस का दस हो गया, ये माइनस का सात हो गया, सात इधर सेवन बी इज इक्वल टू माइनस टेन, जब इसको हमने किया तो ये माइनस टेन ओवर सेवन आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने निकालनी है ए की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू सिफर, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सिफर, और एक्स की वैल्यू आ गई टू। ठीक है, इसी तरह ये देखिएगा टू एक्स और ए एक्स प्लस फाइव प्लस बी एक्स माइनस, जब ये एक्स टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिफर है तो ये भी सिफर के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अब हमने पुट करना है टू, टू एक्स के साथ भी टू पुट कर दिया, ए में भी एक्स की वैल्यू को पुट कर दी, तो ये बन गया हमारे पास फोर एक्स इज इक्वल टू सेवन फोर। इसी तरह जब हमने इसको हल किया तो ए इज इक्वल टू फोर ओवर सेवन हो गया। ये नीचे इसका आंसर देख लीजिएगा कि टू एक्स इज इक्वल टू फोर बटा सात चार बटा सात एक्स माइनस टू और माइनस टेन बटा सेवन एक्स प्लस फाइव, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लिए जाता हूँ। ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर पाँच है चैप्टर नंबर नौ के शॉर्ट क्वेश्चन का, ये देखिएगा रिजोल्व इनटू, ये देखिए रिजोल्व इन द पार्सल फ्रैक्शन वन ओवर एक्स माइनस टू, सोल्यूशन वन ओवर एक्स माइनस टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू। इसको सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको हमने तजजी करनी है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये मतलब 2x है, नीचे बड़ा है, x की पावर ज़्यादा है, तो इसको हम तजजी कर सकते हैं। इसको अब हमने करना है, x को यहाँ पे ले लेना है कॉमन x माइनस वन। ठीक है, वन ओवर x ब्रैकेट x माइनस वन ब्रैकेट वन इज इक्वल टू a, जो हो गया वो हो गया x के बराबर प्लस b माइनस b ओवर x माइनस वन, इसको हमने नाम दे दिया जी p का। इसके बाद हमने करना है नीचे मल्टीप्लिकेशन विद x ब्रैकेट बंद एक्स माइनस वन। ठीक है, बोथ साइड एलसीएम के साथ, तो कर दिया नीचे वाला जो है एक्स के और माइनस एक्स ख़त्म हो गया, इधर ए के साथ आ गया एक्स माइनस वन और बी के साथ खाली एक्स आ गया, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब एक्स इज माइनस वन इज इक्वल टू सिफर हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, इसकी एक्स में वैल्यू पुट की, ये जो बी है बी की जगह एक आ गया, ए की जगह जो है ना जी एक्स की जगह वन आ गया, तो वन माइनस वन सिफर हो गया, ए कट गया, बी इज इक्वल टू वन हो गया। बी जो है ना वन साथ लिखते नहीं है, इसलिए बी इज इक्वल टू वन, जो इस साइड वाला वन है वो बी के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह आगे देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू सिफर हो गया, पुट इन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन जो हमने वन बनाई है उसमें, वन उसी तरह आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सिफर माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू सिफर, बी कट गया,
सिफर माइनस वन इज़ इक्वल टू सिफर माइनस ए रह गया, ए इस साइड पे चला जाएगा और वन जो है ना इधर ले लेंगे, जो ए के साथ माइनस की जो वैल्यू है वो इधर जाके वन के साथ हो जाएगी, इसलिए माइनस वन हो जाएगा। इसका आंसर है वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 नौवें चैप्टर का। अब इसके बाद मैं आपको 6 पे लेके जाता हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 9 का, तो ये मैंने इसको हल किया। देखें रिजोल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन है 7x प्लस 25 बटा x प्लस 3 एक्स प्लस 4, तो इनको आप हमने कॉन्शियस किया ए बटा एक्स प्लस 3 उसके बाद प्लस बी बटा एक्स 4। इसको मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय एलसीएम, जब इसका एलसीएम लिया तो नीचे वाली रकम कट गई, ठीक है, और इसको इसके साथ जब ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 7x प्लस 25 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 1। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने लेंगे ये a वाला। पहले सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a के नीचे वाली रकम लेंगे x माइन प्लस 3, एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू सिफर हो गया। उसको जब x इधर आ गया 3 उधर गया तो प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने ये नीचे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जब हमने x की वैल्यू पुट की तो ये b ख़त्म हो गया, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 3 ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 21 माइनस 21 प्लस 25 और ए का जो है ना प्लस आ गया, 21 प्लस 25 ये 4 आ गया प्लस में, और ए ये हो गया 4a। उसके बाद नीचे देखिएगा तो हमने अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू सिफर किया, एक्स को जब 4 को जब एक्स की दूसरी साइड पे गया तो वो माइनस में आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में दोबारा पुट की, अब ये माइनस 28 आ गया प्लस ये 25 आ गया इज़ इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। जब ये 25 में से 28 निकले तो माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का बी था, माइनस माइनस से कट गया और आ गया बी इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद उसका आंसर निकला 4 बाय एक्स प्लस 3 और प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4। ये हमारे पास चैप्टर 9 के शॉर्ट आंसर 6 का जो है ना ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के जो है इसमें सेशन में हमने जो है ना चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना डेफिनेशंस को निकाल के, तो ये देख लें हमने जो है ना 4, 5 और 6, ये पहले 3 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। एक है डिप्लोमा है पार्ट 1, ठीक है, बीएई पार्ट 1 फर्स्ट ईयर क्या है 1, 2, 3 बुक। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो है ना क्वेश्चंस के साथ मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।